हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास LKG। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल्स नेम पढ़े थे, जिसमें हमने रैबिट, कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, जिराफ, काउ, लायन, एलिफेंट, टाइगर, ये हमने किए थे। आई होप आपने उनको लर्न किए होंगे और अपनी नोटबुक में राइट किए होंगे। आज हम करेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स, REPTILES, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बच्चों, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, रेंगने वाले होते हैं, वो होते हैं रेप्टाइल्स। अब देखिए इनमें कौन से एनिमल्स आते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट कौन सा है? स्नेक। कौन सा है? स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक बच्चों किसको कहते हैं? सांप। किसको कहते हैं? सांप। ये कैसा होता है बच्चों? लंबी रस्सी के जैसा होता है। और डियर स्टूडेंट, सांप के क्या होते हैं? स्नेक के पैर नहीं होते हैं, इसलिए वो रेंगता हुआ चलता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है अपना एलिगेटर। नेक्स्ट है अपना एलिगेटर, ALLIGATOR, ALLIGATOR। एलिगेटर मीन्स होता है घड़ियाल। एलिगेटर मीन्स होता है घड़ियाल। ये एक ऐसा एनिमल होता है बच्चों जिसके 24 नुकुले दांत होते हैं। इसके 24 नुकुले दांत होते हैं, इट मीन्स कि तीखे दांत होते हैं। फिर भी ये क्या करता है एलिगेटर, जो भोजन को, इसके 24 टीथ होते हैं, फिर भी क्या करता है बच्चों? ये भोजन को चबाता नहीं है, ये भोजन को निगलता है, कि सीधा क्या सीधा निगलता है, भोजन को चबाता नहीं है। इसके टीथ होते हैं, इसके 24 टीथ होते हैं, फिर भी ये भोजन को चबाता नहीं है। और बच्चों ये नॉन वेजिटेरियन एनिमल होता है, ये मांसाहारी एनिमल होता है, ये नॉन वेजिटेरियन एनिमल होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिस इज लिजार्ड, LIJARD, लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स छिपकली। देखिए बच्चों, छिपकली एक ऐसा एनिमल होता है जो किससे? जीभ से सूंघती है। इसकी ये अपनी टंग से सूंघती है, स्मेल लेती है, इसीलिए अपनी टंग को बार बार बाहर निकालती है। आपने देखा होगा छिपकली अपनी टंग को बाहर निकालती है। तो और इसका भोजन क्या होता है? इनका भोजन क्या होता है? जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट जो लाइट के सामने आते हैं, उस टाइम ये उनको खा लेती है, अपना भोजन बना लेती है। तो ये क्या करती है? टंग से तो स्मेल लेती है, इसलिए अपनी टंग को बार बार बाहर निकालती है। और जो इनके छोटे छोटे कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनको क्या करती है? अपना फूड बनाती है। दिस इज क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। देखिए बच्चों, इसके जो दांत होते हैं, जो ये जबड़े होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये क्या करता है? बड़े बड़े जीवों को भी खा जाता है। और ये देखिए, जो एलिगेटर होता है वो तो खा रहता है वाटर में, और ये क्रोकोडाइल होता है वो क्या करता है? धूप सेकने के लिए या आराम करने के लिए जमीन पे भी आ जाते हैं, और ये इंसान को भी खा जाते हैं। अगर इनको इंसान मिल जाए तो इंसान को भी निकल जाते हैं ऐसे के ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट है टॉर्टोइस। दिस इज टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस क्या होता है बच्चों?
कछुआ ये एक ऐसा जीव होता है जो इसके चार पैर होते हैं और ये बहुत धीमी धीमी गति से चलता है, बहुत कम स्पीड होती है इसके चलने की। हमने टॉर्टोइस की कहानी भी सुनी होगी कि वो बहुत धीरे 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 चलता है। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट क्या है, सालामेंडर, SALAMANDER, SALAMANDER, सालामेंडर। ये क्या होता है बच्चों, इसका शरीर, इसकी जो बॉडी होती है वो पतली होती है, छोटी सी इसकी नाक होती है और लंबी इसकी पूंछ होती है, लेकिन ये छिपकली के जैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना टर्टल, टर्टल, TURTLE, TURTLE, टर्टल। टर्टल मीन्स भी क्या होता है, कछुआ, कछुए। अब देखिए टर्टल और टॉर्टोइस में क्या होता है, टर्टल तो, टॉर्टोइस तो कहाँ रहता है, वाटर में, और टर्टल कहाँ रहता है, देखिए टॉर्टोइस और टर्टल वैसे तो एक ही स्पीसीज होती है, लेकिन ये जो टॉर्टोइस होता है वो तो पानी के बाहर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, लेकिन जो टर्टल होता है वो ऑलवेज कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है चैमेलियन, CHAMELEON, CHAMELEON, चैमेलियन बच्चों गिरगिट होता है, गिरगिट होता है। देखिए इसके पैर कैसे होते हैं, इसके पैर बर्ड्स के जैसे होते हैं और इसकी लंबी पूंछ होती है। अब ये पूंछ के सारे क्या होता है, जो पेड़ की टहनियों पे आसानी से चढ़ सकता है और ये अपना कलर चेंज कर सकता है, ये अपना कलर चेंज कर सकता है। इसको कोई अगर खाने के लिए आता है तो पेड़ के जैसा अपना कलर कर लेता है, ये अपना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है। तो देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा, रेप्टाइल्स पढ़े, हमने स्नेक पढ़ा, एलिगेटर, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, सालामेंडर, टर्टल और चैमेलियन। अब देखिए ये क्या है अपने रेप्टाइल्स, आई होप आपको ये रेप्टाइल्स समझ आए होंगे और आप इनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे। नाउ क्वेश्चन टाइम, नाउ क्वेश्चन टाइम, नेम एनी फाइव रेप्टाइल्स, नेम एनी फाइव रेप्टाइल्स, हमें क्या करना है, फाइव रेप्टाइल्स के नेम यहाँ पे राइट करने हैं, हमें फाइव रेप्टाइल्स के नेम राइट करने हैं। तो इसमें से आप जैसे स्नेक, लिजार्ड, एलिगेटर, टॉर्टोइस, टर्टल, कोई भी फाइव आप इसमें राइट कर सकते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टोइस, टर्टल, एलिगेटर। कोई भी फाइव आप इसमें से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ना, हाउ टॉर्टोइस मूव्स, टॉर्टोइस कैसे मूव करता है, तो हमने पढ़ा था कि टॉर्टोइस बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है, तो इसमें क्या लिख देंगे, टॉर्टोइस मूव्स वेरी स्लोली विथ हेल्प ऑफ लेग, अपनी लेग की हेल्प से वो धीरे धीरे चलता है, उसके फोर लेग होते हैं, टॉर्टोइस मूव वेरी स्लोली विथ हेल्प ऑफ लेग, लेग्स। ओके, तो हमने क्वेश्चन भी किए हैं, टू क्वेश्चन आए, नेम एनी फाइव रेप्टाइल्स, आपको फाइव रेप्टाइल्स के नेम राइट करने हैं और हाउ टॉर्टोइस मूव की, वो मूव कैसे करता है। तो देखिए एक बार, स्नेक, एलिगेटर, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, सैलमेंटर, टर्टल और कैमलियन। अब देखिए ये हमारे रेप्टाइल्स नेम हैं और ये इनको आप नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।